गौतम बुद्ध की अष्ट धातु की मूर्ति के साथ तीन गिरफ्तार। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक पूनम ने बताया कि रात्रि में चेकिंग का अभियान चल रहा था, उसी समय पर जब सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति नेपाल से अष्ट धातु की मूर्ति, चोरी की मूर्ति इधर बेचना चाह रहे हैं, उसी में जब रामापुर की तरफ से जो दो बाइक आ रही थी उनको चेक किया, इस पर चार ये अभियुक्त थे, जिनमें से तीन अभियुक्त पकड़े गए हैं, अनिल कश्यप, राकेश कुमार, बैजनाथ, ये तीनों थाना ईशानगर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक अष्ट धातु की मूर्ति 1 किलो 800 ग्राम की बरामद की है, जिसमें 396 ग्राम सोना है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपये कीमत बताई जा रही है, और एक बाइक इनकी मिली है जिसके कोई कागज़ इनके पास नहीं है, तो चोरी या लूट की ये बाइक हो सकती है। इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने बताया है कि ये कुछ समय पहले गिरिजापुरी थाना निघासन में गए थे और एक नेपाली व्यक्ति से इन्होंने इस मूर्ति को चुराया था और इसी को ये बेचने जा रहे थे, और इसको गिरफ्तार करने में हमारी कोतवाली सदर की टीम रही है। अभी गहराई से पूछताछ की जा रही है और इस पर वर्क किया जा रहा है कि ये कहीं संगठित तरीके से या कोई और जो इनके साथी हैं वो किस तरीके से इस काम को अंजाम देते थे। फिलहाल इनका एक साथी जो फरार है नेकराम, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। ये सीतापुर का रहने वाला है और सदर की हमारी टीम रही है। टीम के उत्साहवर्धन के लिए हमने 3,000 रुपये नकद पुरस्कार भी दिया है।